इस ब्रह्मांड के अंदर अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं। और सबसे बड़ा रहस्य तो ये जीवन ही है। इस जीवन के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर आप कितने वैज्ञानिक लोग खोज के अंदर लगे हुए। अभी अभी पता चला है कि भारत से भी ज्यादा डबल साइज का समुद्र के अंदर जंगल पाया गया। क्या वो पहले नहीं था? था पहले, लेकिन खोज नहीं हुई थी, वहां तक हमारे साइंटिस्टों की पहुंच नहीं थी, वहां तक वो पहुंचे नहीं थे। इसी प्रकार आकाशगंगाएं, क्या वो पहले नहीं थी? थी पहले, लेकिन वहां तक हमारा साइंस पहुंच नहीं पाया था। पृथ्वी के अंदर भी, पृथ्वी के नीचे भी, ऊपर के लोगों के अंदर भी, जहां तक हमारी साइंस पहुंचती है, खोजते हैं, बस उसी को सत्य मान लेते हैं। और वहां तक नहीं पहुंचते जहां तक हमारे वेद पहुंचे, जहां तक हमारे ऋषि पहुंचे। जब वहां तक पहुंच जाएंगे तो उन्हीं की भाषा बोलने लगेंगे। भाषा का मतलब हिंदी है, इंग्लिश, संस्कृत नहीं। भाषा का अर्थ वो शब्द जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने बोला, जो वर्णन किया, जो वेदों में रख दिया, लिख दिया वो। तो ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये खोज में लगे कि ऊपर भी जीवन है, किस लोक में जीवन है, किस ग्रह पे जीवन है, कहाँ पे जीवन है, जीवन है भी या नहीं है। कोई नासा का नाम लेता है, कोई दूसरी एजेंसी का नाम लेता है, कोई किसी साइंटिस्ट का उदाहरण देता है, कोई किसी प्रकार से सोचता है, कोई सूर्य की तस्वीर लेता है। प्रकृति के जो रहस्य हैं, उनको सब अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी अक्षमता से उनका सॉल्यूशन का, उनको समझने का, उनका जो वर्णन करने का, सबका अपना अपना तरीका, अपना अपना नजरिया, अपना अपना अनुभव है। तो वो उसी के अनुसार कार्य करते हैं, उसी के अनुसार वर्णन होता है। तो ये रहस्य सदियों से बना हुआ है, युगों से बना हुआ है कि जीवन है या नहीं। क्योंकि हमारे जो ग्रंथ आते हैं, रामायण में, गीता के अंदर, महाभारत के अंदर, पुराणों के अंदर, और भी कई ग्रंथों के अंदर ऐसा वर्णन किया गया है कि नीचे के लोक भी हैं, ऊपर के लोक भी। ऊपर के लोकों में देवताओं का वर्णन आता है, नीचे के लोकों में राजा बलि आदि का वर्णन आता है। और गीता के अंदर भी वर्णन किया गया है, साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया है कि अनेकों इस प्रकार की अनेकों अनेक पृथ्वियां। तो अनेकों अनेक पृथ्वियां हैं, अनेकों अनेक ब्रह्मांड हैं। तो जब अनेकों अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेकों पृथ्वियां हैं, तो जीवन भी निश्चित ही होगा। लेकिन ये एक अलग विषय है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो खोज करने वाले हैं, हमारे जो साइंस के या आजकल के जो, या वहां तक नहीं पहुंचे, उनकी सोच, उनके उपकरण, उनके साधन, उनके द्वारा निर्धारित की गई, बनाई गई मशीनें, उनके द्वारा डेवलप किए गए विमान आदि, उनके द्वारा स्पेस में भेजने वाले जो भी मशीनें तैयार की गई हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। वो जब तक वो वहां नहीं पहुंचेंगी, वो नहीं माने। लेकिन जब वो वहां पहुंच जाएंगी, तो हमारे ग्रंथ सही साबित हो जाएंगे। इनमें ऐसा
आप पढ़ोगे, जो पढ़ करके ध्यान लगाओगे, बिना ध्यान के, बिना ऊर्जा के, बिना खोज के और बिना इतने विराट बुद्धि के वहां तक सोचना बहुत मुश्किल है। तो जहां आज साइंस खोज कर रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने वहां साइंस का और अध्यात्म का तालमेल बना करके जो कार्य किया और जो खोज करके रस ले करके आए, जो खोज करके अद्भुत चीजें लेकर आए, जो अनुभव करके दिव्य दृष्टि से देख करके और वहां तक पहुंच करके जो उन्होंने पाया, उसका वर्णन हमारे ग्रंथों में कर दिया। तो जब हमारा साइंस उनकी सोच के अनुसार, उन ग्रंथों के विचारों के अनुसार वहां तक पहुंच जाएगा, तो ये जो हमारे ग्रंथ हैं, ये सब कुछ सही साबित हो जाएगा।